बैक टू माई चैनल, माई नेम है शिवांश भसी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी में किस सिनेरियो पे हम लोग अपना काम करके चल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि FII का डाटा के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या लगता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। इसके अलावा हम लोग ओपन इंटरेस्ट पे देखेंगे कि ये जो एक्सपायरी नेक्स्ट वीक की है, इस पे हमें क्या अप्रोच लेकर चलनी चाहिए। बिकॉज अगर मैं मान के चलूँ तो 5 ट्रेडिंग सेशन है और निफ्टी अभी 16,500 पे है। सो 17,000 से 500 पॉइंट्स कम है और 16,000 से 500 पॉइंट्स ज़्यादा है। सो एग्जैक्ट अपने मिडिल पे ट्रेड कर रही है। अब क्या अप्रोच लेकर चलनी चाहिए, क्या लगता है कि 16,000 सबसे पहले टेस्ट कर सकता है या 17,000 टेस्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। अगर आप अभी मार्केट को स्टडी कर रहे होगे, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग हर 5 मिनट या हर दिन देखते हैं कि निफ्टी ने अब टॉप बनाया, अब बहुत शार्प फॉल आएगी। हम लोगों ने 16,100 पे देखा, 200 पे देखा, 300 पे देखा, 400 पे देखा, 500 पे सोच के चल रहे हैं कि अब तो मार्केट गिरेगी। बट एक्चुअल में सिनेरियो क्या बन रहा है कि यस, मार्केट एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचती है। फॉर एग्जांपल मार्केट 16,300 पे आती है, उसके बाद एक फॉल आता है एंड वो फॉल के बाद एक रिकवरी स्टार्ट होती है और वो एक नया हाई क्रिएट करती है। सो यस, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हो सकता है कि 16,500 पे एक शायद दोबारा 50-60-80 रुपए का एक फॉल आए, उसके बाद दोबारा मार्केट कवर करे और एक नया हाई बना सकती है। सो भी मार्केट एक सिंपल अप ट्रेंड के अंदर ही है, तो हम लोगों को शॉर्ट के नहीं लॉन्ग के मौके को सेलेक्ट करना चाहिए। हम लोग शॉर्ट कब कर सकते हैं या फिर हम लोगों को एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो देखिए, क्योंकि अगर हम लोग RSI की बात करें ना गाइस, सो RSI तो बियरिश डाइवर्जेंस है, बट मार्केट रेगुलर बेसिस पे ऊपर जा रही है एंड अकॉर्डिंग टू, अगर मैं सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखूं या प्राइस एक्शन देखूं तो मार्केट इज वेरी स्ट्रांग। सो हम लोगों को निफ्टी पे बाय ऑन डिप्स पे ही ट्रेड करना है, अदरवाइज हम लोग शॉर्ट पोजीशन अभी कोई भी क्रिएट नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर फर्दर डिस्कशन में वीडियो में अंदर ही करूंगा जब आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। एक लास्ट और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और गाइस, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं आप लोग से 9:30 बजे लाइव आना स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं मार्केट रैप के बारे में बहुत चीज़ें बताऊंगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ अचानक और क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, प्लस थोड़े बहुत स्टॉक्स भी वहाँ पर डेली बेसिस पे बताए जाएंगे। सो वहाँ पर ज़रूर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक बटरफ्लाई पैटर्न है, बहुत रेयर पैटर्न होता है स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग के अंदर, एंड वो पैटर्न अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग बहुत बढ़िया रिस्टूड रिवॉर्ड 1:5, 1:10 के रिस्टूड रिवॉर्ड रेशियोज भी अर्न कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाली हुई, आप लोग जरूर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और, आपके माइंड में बहुत सारी बात आ रही होंगी कि मैं एक बार दो बार वीडियोस बनाता हूँ उसके बाद मैं क्यों जा रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ये अगस्त का जो पूरा महीना ये ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है मैं अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कर रहा हूँ, एक इस पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस और आ चुकी है, इसके बारे में लोग बाद में फर्दर बात करेंगे। इसके अलावा मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो ये जो मेरा पूरा सेटअप आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा सेटअप अभी चेंज होने वाला है, पूरा बैकग्राउंड चेंज होने वाला है एंड ये अभी गुड़गांव में शिफ्ट होने वाला है। सो वहाँ पर मैं अभी मेरे इंटरव्यूज़ भी मैं थोड़े बहुत लोगों के लेने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक सेपरेट वीडियो बना के मैं अपडेट करूँगा। कल मैं दोबारा आप लोगों के सामने आऊँगा, बट ट्यूज़डे से मैं फिर गुड़गांव जा रहा हूँ, तो मैं शायद नहीं आ पाऊँ, सारे अपडेट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहूँगा। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। सो जैसे कि आप मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं, सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है SBI। SBI पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक सपोर्ट, एक बेस का काम कर रही है। एग्जैक्टली यहाँ पर मल्टीपल बार इसने सपोर्ट लिए गए हैं और ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये एक फॉल आया, ये फॉल आने के बाद ये एक रेंज के अंदर, ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर काम करने लगा एंड जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो वो एक शार्प हो सकता है, बिकॉज ये एक बियरिश पेनेंट पैटर्न को फॉर्म कर सकता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, वो यस नीचे गया था अगर आप लोग कम टाइम फ्रेम पे जाओगे, बट वहाँ से रिकवर करके ये ऊपर गया था, तो यानी कि वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन था एंड उसने हायर साइड में ब्रेकआउट दिया है। सो यहाँ पर जो मोमेंटम है तो वो अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा 30 मिनट्स पे दिखाता हूँ, सो 30 मिनट्स पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लेट मी शो यू, आप यहाँ देख रहे हैं एक शार्प अपमूव आई, एक ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद एक शार्प अपमूव आई, अपने हायर रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ थोड़ा यहाँ एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाई है। अगर मैं 200 देखा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ इस पर, तो आप देख सकते हैं एक हर्डल है जो हम लोगों को अभी SBI में फेस करने को मिल रहा है। बट जिस तरीके से ये अप्रोच काम कर रही है, मुझे लगता है कि इस हर्डल का भी ब्रेकआउट दे देगा
और मार्केट यहाँ से और ऊपर, ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि बैंक निफ्टी अभी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छे से नहीं दी है, सो अगर निफ्टी करेगा तो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ये स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है ये है आराम से 431.5 रुपीज़ का। सो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलेगा, जैसे ही 1 रुपये के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा SBI, आप लोग एक बाय सेटअप जनरेट करके रख सकते हैं। मुझे लगता है एक शार्प अप मूव के बाद एक पॉज लिया है और एक दोबारा अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। SBI को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आप लोग जरूर रख सकते हैं। हमारा सेकेंड स्टॉक है रिलैक्सो। रिलैक्सो पे आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा हम लोगों ने बना रखी है, जो कि सबसे पहले एक रेजिस्टेंस का एक्ट कर रही थी एग्जैक्ट इस लेवल पे। जब इस रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट दिया विद स्ट्रॉन्ग कैंडल, हम लोगों ने देखा वही रेजिस्टेंस इसके लिए एक सपोर्ट बन चुका है। अब ये स्टॉक की एक बहुत ज़्यादा अच्छी खास बात है, ये स्टॉक क्या करता है, एक रेंज के अंदर होता है, एक ब्रेकआउट देता है इस रेंज का, एक छोटी सी रेंज और डेवलप करता है, और जब उसका ब्रेकआउट देता है तो एक शार्प अप मूव आती है, बहुत ज़्यादा शार्प अप मूव आती है। अब ये स्टॉक कर क्या रहा है, इसने एक रेंज बनाई थी यहाँ पे, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, दोबारा एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और इसका ब्रेकआउट दे चुका है। आई थिंक ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आप लोग जरूर रख सकते हैं। राइट नाउ द करंट प्राइस इज 1180 रुपीज़ का। आप लोग 1182 रुपीज़ के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है इसे आप बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है ये 1200 या 1180 1200 टू 1220 रुपीज़ तक की लेवल इजिली दिखा सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सो इसे अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आप लोग जरूर याद कर सकते हैं। हमारा थर्ड और हमारा लास्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आप देखेंगे कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्यादा अच्छा उसे कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे इसने जरूर करा था, अब मुझे लगता है ये एक ब्रेकआउट भी दे सकता है और कंट्रीब्यूशन भी इसका अच्छे से आ सकता है। सो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने विजिबल है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या है, इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप लोग देखेंगे, ये एक सपोर्ट हुआ करता था इस टाइम पे, ये एक सपोर्ट हुआ करता था। जैसे ही इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करा, दैट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, आप लोग देख पा रहे हैं। बट आफ्टर गिविंग अ वेरी शार्प फॉल इन रिलायंस इंडस्ट्री, इट फॉर्म्ड अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करा है और एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट ये बहुत ईजिली दे सकता है, और अगर इसका कल एक ब्रेकआउट आता है तो अच्छे टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो राइट नाउ द करंट प्राइस इज 2145 रुपीज़ का, एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 2150 के ऊपर अगर ये निकलता है तो अच्छे टारगेट्स इस पर देखने को मिल सकते हैं। सो आप लोग इसे 15 मिनट्स के कैंडल पे वॉच करेगा, 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है और क्लोज करती है 2150 रुपीज़ के ऊपर, आप लोग एक बाय सेटअप इसके अंदर जनरेट करके रख सकते हैं। चेक करना है कि निफ्टी भी पॉजिटिव हो और बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो और रिलायंस ब्रेकआउट दे रहा हो तो ही ट्रेड करना, तो अच्छे रिजल्ट्स इस पर और मिल सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, इसके बाद चलते हैं ओपन इंटरेस्ट और FII के डाटा की तरफ। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन करा हुआ है, एंड क्लियरली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म रेंज के अंदर ये इंडेक्स काम कर रहा था। जब लॉन्ग टर्म इंडेक्स एक रेंज के अंदर काम करता है और उसका एक ब्रेकआउट देता है तो हम लोग एक शार्प मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। ये स्टॉक्स और इंडेक्स सबके अंदर कॉमन होता है, ठीक है, कि एक लॉन्ग टर्म रेंज है उसका ब्रेकआउट दे रहा है तो इतना प्रेशर होता है नीचे से कि वो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। बट एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, बाई चांस अगर एक रेंज का एक ब्रेकआउट देता है और वो दोबारा एक रेंज के अंदर चले जाता है और उसका ब्रेकआउट देता है तो जो शार्प अपमूव होती है वो डबल हो जाती है जो कि पहले रेंज के ब्रेकआउट से होती है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के दौर में बताता हूँ। ये एक रेंज है, ये देख रहे हैं इंडेक्स एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, इसने एक ब्रेकआउट दिया एग्जैक्ट इस लेवल पे जो कि 3rd of August को दिया था। 3rd of August को देने के बाद इसने क्या करा, एक शार्प अपमूव कंटिन्यू नहीं करा, वो उसके बाद एक रेंज के अंदर दोबारा चला गया। अब देख रहे हैं मैंने एक रेंज दोबारा बना रखी है, रेंज के अंदर जाने के बाद इसने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। अब होता क्या है, जब दो रेंज कॉन्जिक्यूटिवली दो रेंज का एक ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छी बाइंग, एक अच्छा से बाइंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी करंट प्राइस क्या है, 16,500, अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल पे है, एक मिड पॉइंट पे है, यहाँ पर एक हायर सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर दोनों मतलब स्ट्रांग है, तो कहीं पर भी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब जब मैं यहाँ पर एक पैटर्न या एक प्राइस एक्शन को देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यार बहुत टाइम कंसोलिडेट, बहुत टाइम इंडिसाइसिव कैंडल्स बनाने के बाद इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। आई थिंक जो मूवमेंट है वो अपसाइड की तरफ ही कंटिन्यू कर सकती है। सो अब करना क्या है,
अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस बाय ऑन डिप्स करेंगे, ठीक है? अगर मार्केट ऊपर खुल रही है और ऊपर ही जा रही है कंटिन्यूसली तो भी हमारा बाय है, अदरवाइज अगर मार्केट नीचे है और हम लोगों को डिप में कोई एक रिवर्सल दिखता है तो हम लोगों को बाइंग करनी है, ठीक है? सेलिंग हम लोगों को अभी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया, क्लियरली आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि मैंने एक ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ करी हुई है। ये वाली जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है ये हमें बता रही है कि एग्जैक्ट अभी अपने रेजिस्टेंस पे ये इंडेक्स काम कर रहा है। आप देख सकते हैं सारे टॉप्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन बनी है एंड एग्जैक्टली ये अपने रेजिस्टेंस पे ही एक्ट कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी तक इसने कोई भी क्लोजिंग नहीं दी थी, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 2 दिन एक शार्प अपमूव आई थी, उसके बाद ये भी कंसोलिडेट करने लगा। निफ्टी ने फ्राइडे को एक ब्रेकआउट दिया बट बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दे पाया। और अगर आप लोग लास्ट आर को देखेंगे 232 330, ये 36,000 50 टू 36,200 के आसपास ही बहुत टाइम काम करते रहा, ठीक है? और ब्रेकआउट भी नहीं दे पाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शार्प अपमूव एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, ये एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न भी है और एक अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हमारे लिए बाय सेटअप कब जनरेट होगा? जब 15 मिनट की कैंडल गाइस 36,200 के ऊपर क्लोज होगी हम लोग बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ब्रेकआउट अच्छा आता है, 15 मिनट की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है तो बैंक निफ्टी एक अच्छा प्रॉफिट हायर साइड में दे सकती है। करना क्या है, 36,200 के ऊपर या 215 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो तो आपको बाय करना है और नए टारगेट्स तब हम लोगों को आराम से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की और FII डाटा की। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आपके सामने ओपन करा हुआ है एंड क्लियरली अगर आप लोग ओपन इंटरेस्ट की तरफ देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में 16,400 रुपीज पे, सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में 16,500 पे। यानी कि जो 18 अगस्त को एक्सपायरी है तब निफ्टी 16,400 को ब्रेक नहीं करेगी एंड 16,500 के ऊपर अगर कल की ट्रेडिंग सेशन के ऊपर क्लोज कर गई तो शायद 16,500 को भी ब्रेक ना करे। कल 16,500 का एक क्रूशियल लेवल है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है और ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो हम लोग और हायर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, वो है 16,800 पे, जो कि एग्जैक्ट अपने करंट लेवल से 300 पॉइंट्स दूर है एंड सेकेंड हाइएस्ट है 17,000 पे। यानी कि जो पुट साइड है जो एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर रहा है वो हमें बता रहा है कि 16,400 तो ब्रेक ही नहीं होने वाला। अगर कल आपको डिप मिलती है 16,400 के बिल्कुल पास मिलता है, आप लोग निफ्टी को बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारा पहला टारगेट है अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट दैट इज 16,800 एंड देन 17,000 का, ठीक है? आपको मैं बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी भी क्या चल रहा है। अब मैंने बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ओपन कर दिया एंड यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली देखने को मिल रहा है जो कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पुट राइटिंग हो रही है वो लेवल है 36,000 का, ठीक है? एंड सेकेंड हाईएस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 36,100 का अकॉर्डिंग टू पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज का। यहाँ पर हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि बैंक निफ्टी में 36,000 का एक सपोर्ट है एंड 36,100 के ऊपर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन पे क्लोज कर देता है तो हम लोगों को और हाई लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस पे बताया कि 36,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्या वो ओपन इंटरेस्ट पे भी है चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 36,200 पे, जो कि कॉल राइटिंग पे देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली ओपन इंटरेस्ट भी हमें यही बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो 36,200 पे है और टेक्निकल एनालिसिस पे भी बिल्कुल सेम है। हम लोगों को करना क्या है, अगर 15 मिनट की कैंडल कल क्लोज होती है तो हम लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी अच्छा रिजल्ट दे सकता है और निफ्टी भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है तो हम लोग दोनों पे ट्रेड करके चल सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को FII डाटा दिखा देता हूँ। FII डाटा पे आप लोग देखेंगे तो कॉल की जो बाइंग हुई है वो 2.14 लाख क्वांटिटी हुई है एंड पुट की जो बाइंग हुई है वो 1.72 लाख हुई है। तो इस समय ये चीज़ पता चल रही है कि लोग बुलिश हैं अकॉर्डिंग टू लोग वो बियरिश हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर भी उन लोगों ने बाय कर रखा है 630 करोड़ की क्वांटिटी पे। तो आई थिंक
एफआई भी स्टिल बुलिश है बिकॉज उन लोगों ने स्टॉक्स पे भी बाइंग करी है और डीआई भी बाइंग कर रहे हैं। हम लोग पास्ट पे देख रहे थे कि सिर्फ डीआई बाइंग कर रहे थे स्टॉक पे और एफआई शॉर्ट कर रहे थे, बट अब यहाँ पर सेम पोजिशन अकर हो रही है, तो मेरे हिसाब से मार्केट इज स्टिल बुलिश। अगर डिप मिलती है तो इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस मार्केट। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी लिसनिंग दिस होल वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सो आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर और एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और बाई चांस अगर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता, अगर मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आके जरूर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए गाइज, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।